इंग्लैंड और भारत का मैच चल रहा है और मैच में दो किरदारों ने जमकर तारीफें बटोरी हैं, नाम सरफराज खान और ध्रुव चुरेल। लेकिन शायद जब से यह मैच चालू है खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें थी। सरफराज खान और दूसरे खिलाड़ी ध्रुव चुरेल को शायद सभी नज़रअंदाज कर गए। लेकिन अगर ध्रुव चुरेल के हौसले के बारे में जानोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। हर सफलता के पीछे कहानी लिखी होती है, लेकिन ध्रुव चुरेल की कहानी भी बड़ी अनोखी है। ध्रुव चुरेल ने राजकोट टेस्ट डेब्यू किया। अपनी पहली पारी में उन्होंने 46 रन बनाए। चुरेल के कोच ने एक बातचीत में बताया कि कैसे सिर्फ 13 साल की उम्र में वह अकेले आगरा से नोएडा चले गए। 13 साल का एक बच्चा घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर अकेला इलाके के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोच के ऑफिस में आकर अपनी एकेडमी में रखने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है, सर मेरा नाम ध्रुव चुरेल है, प्लीज मुझे अपनी एकेडमी में रख लीजिए। कोच हैरान। पहले तो उन्हें लगा कि यह बच्चा लोकल यानी नोएडा का होगा, तभी अकेले आ गया। लेकिन फिर ये बच्चा बोला, सर मैं आगरा से अकेले आया हूँ और जिस दोस्त ने मेरे रहने की व्यवस्था करने का वादा किया था अब वो फोन नहीं उठा रहा है। ये सब सुनकर लगा कि ये बालक कहीं घर से तो नहीं भाग आया। कोच फूलचंद ने ध्रुव से उसके पापा का नंबर मांगा और फोन किया। उधर से पिताजी बोले, मैं आता हूँ। लेकिन पिताजी की 13वीं और बच्चे ने कहा कि चिंता मत करिए, मैं आगरा से दिल्ली की ट्रेन ले लूंगा। पीटीआई से बात करते हुए कोच आगे कहते हैं, 13 साल के बच्चे के अकेले आने की कहानी जान मुझे लगा कि ये बच्चा स्पेशल है। मेरी एकेडमी में अगर आपके पास मेरिट है तो बात से फर्क नहीं पड़ता, आप रिक्शा वाले के बेटे हो या मंत्री के, आपको हर मौका मिलेगा। ध्रुव शुरुआती से ही बहुत मेहनती था और उसके पास टैलेंट भी था, उसके लिए परफॉर्म करते हुए आगे जाना मुश्किल नहीं था। कोच ने ये भी कहा कि उन्होंने ध्रुव को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। वह बोले, अगर मुझे पता कि वो लड़का आगे जा सकता है तो मैंने अपनी जेब से उसे बेस्ट चीजें दिलाता हूँ। भगवान का शुक्र है कि मैं बहुत से इंडिया अंडर 19 और फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को बना चुका। ध्रुव की कहानी कमाल है। उनके पिताजी कारगिल की जंग में लड़े थे, बाद में रिटायर हुए तो घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। अपनी पहली किट के लिए ध्रुव को घर से ही सत्याग्रह करना पड़ा था। उन्होंने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया, जिसके बाद उनकी माता जी ने अपनी सोने की चैन गिरवी रखी और फिर ध्रुव को किट मिली। राजकोट टेस्ट में डेब्यू करने वाले ध्रुव ने पहली पारी में 46 रन बनाए। उन्होंने रविचंद्र अश्विन के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप की। दोनों की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। इनसे पहले एक और डेब्यू कर रहे प्लेयर सरफराज ने 62 रन की पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन ने इस मैच में शतक जड़ा। लेकिन ध्रुव चुरेल की कहानी सबको इंस्पायर कर देती है। कैसे एक 13 साल का लड़का आगरा से नोएडा भाग कर चला आता है, ये देखता भी नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, और आज वो इंडिया के लिए टेस्ट इंटरनेशनल खेल रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो पहली मैच में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, 3 छक्के मारे। 8वें नंबर पर आकर ध्रुव चुरेल का ऐसा कारनामा कर दिखाना ये बड़ा ही दिलचस्प था। अब ये देखना होगा कि आने वाली सेकेंड इनिंग में जब ध्रुव चुरेल बैटिंग करेंगे तो क्या अप्रोच रहती है, कैसा खेलते हैं और 3 की जगह कितने और छक्के मार लेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आप भी ध्रुव चुरेल की कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।